नामवर सहाफी राना अजीम का मुल्क की सियासी सूरतेहाल पर जानदार तबसरा। पीडीएम और इमरान खान से मुतालिक गुफ्तगु ने तहलका मचा दिया। पीडीएम के अंदर दंगल शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा, मेरे मुताबिक पीडीएम ने हुकूमत में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा एहसान किया है। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने से पार्टी की मकबूलियत आसमान को पहुँच गई है। आज हर शहर, गाँव, गली और मोहल्ले में खान साहब के वोटर्स में मजीद इजाफा हुआ है। सीनियर सहाफी राना अजीम ने निजी टीवी से गुफ्तगु में अपना तजिया पेश करते हुए कहा, पीडीएम के अंदर बहस ये छिड़ गई है कि काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप को मजबूत बनाया जा रहा है या बिलावल भुट्टो को मजीद पावरफुल किया जा रहा है। नामवर सहाफी का कहना था कि क्या मरियम नवाज चाहेंगी कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम की सीट पर बैठ जाएं या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस बात को मान लेंगे कि मरियम नवाज मुल्क की वजीर आजम बन जाएं? मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं। सहाफी राना अजीम बोले, जो लोग पीटीआई छोड़ कर गए हैं उन्हें दिलासे तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये लोग पीपल्स पार्टी के टिकट से पंजाब में काउंसलर की सीट जीत सकेंगे? और शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम डर की वजह से आवाम में नहीं जाते क्योंकि मुल्क में इतनी महंगाई जो कर दी है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।